श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जो मैच होगा वो इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोस्तों पहली बात तो एशिया कप का मैच नंबर 11 है, और गाइस देखो इस मैच को अपना एक सेमीफाइनल मैच आप देखो डिसाइड करके आप चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंच चुकी है, पहली टीम है जो एशिया कप के फाइनल में गई है। और गाइस को दूसरी पायदान के लिए जो देखो यार इस मैच में ना जो भी टीम जीतती है देखो सीधा फाइनल में चली जाएगी, और देखो जो भी हारती है वो देखो सीधा बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस इसीलिए ये मैच काफी टक्कर का होगा और गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट गाइस देखो हमारी यार जो ड्रीम इलेवन की टीम है ना दोस्तों काफी बढ़िया टीम आपको इस वीडियो में दूंगा, और गाइस देखो आप इस मैच में काफी बढ़िया ड्रीम इलेवन से अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। गाइस देखो मैच का टाइमिंग वही है 14 सितंबर को दोपहर के 3 बजे। दोस्तों ये मैच भी कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाने वाला है, ठीक है। बट गाइस देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई देखो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। क्योंकि यार वहां पर ना मेरी आपको फाइनलिटी मिलेगी जिस टीम से मैं खुद प्ले करके इतनी गाइस लाखों की अर्निंग करता हूँ। दोस्तों लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लो, उसी टीम से खेलना जो टीम मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में दोस्तों आपके लिए ₹200 का गिव वे रहेगा, क्वेश्चन आंसर गिव वे। तो गाइस उस गिव वे में भी आपको पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन आंसर गिव वे केवल आपके लिए ही रहता है, आंसर आप सही दो और आप प्राइज लेकर आप जा सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पिच स्पोर्ट की। दोस्तों देखो यहाँ पर देखो आर प्रेमदास स्टेडियम में गया है, देखो यार आपको दो मैच देखने को मिला था, ठीक है। पहला मैच जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच था, वहां पर देखो यार इंडिया काफी बढ़िया अटैकिंग बैटिंग की थी और देखो 356 वहां पर लगे थे। दूसरा मैच जो कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंडिया और श्रीलंका का, दोस्तों वहां पर एक टर्निंग पिच थी और गाइस वहां पर स्पिनर ने लगभग दोस्तों 16 से 17 विकेट लिए थे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि गाइस वहां पर क्या है कि रन वहां पर टर्निंग पिच है, देखो यार जिस भी टीम के पास ना क्वालिटी बॉलिंग अटैक रहेगी, देखो यार पाकिस्तान टीम के पास ना क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं, तो गाइस वो इस पिच पर विकेट नहीं ले पाएंगे। वहां पर देखो इनके पेसर्स ही विकेट लेंगे, क्योंकि यार देखो पाकिस्तान ऐसी टीम है जिनके पास दोस्तों काफी सदियों से पेसर्स अटैक क्वालिटी वहां पर फास्टर बॉलर है। लास्ट यहां पर अगर 7 ODI मैच की बात कर लो तो गाइस पेसर्स को भी 48 विकेट मिला है और स्पिनर को भी यहां पर 58 विकेट मिला है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि दोनों बॉलर को यहां पर विकेट मिलते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी पेसर्स भी है तो आपको विकेट मिलेगा, लाइक बुमराह हो गया, ठीक है, इंडियन टीम की ओर से। और अगर आपके पास लाइक क्वालिटी स्पिनर है लाइक कुलदीप यादव हो गए, धोनी तो लांगे हो गए, तो गाइस उनको भी इस पिच पर विकेट मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों गुड स्कोरिंग यहां पर पिच रहेगा, ठीक है। एवरेज स्कोर यहां पर आप चेक कर सकते हैं 240 से 260 के बीच में आप यहाँ पर स्कोर बनते हुए देख सकते हो। वैन पर अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो दोस्तों इस पिच पर टोटल 132 मैचेस खेला जा चुका है, 78 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और 54 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, ठीक है। हेड टू रिकॉर्ड श्रीलंका और पाकिस्तान की मैं बात करूँ दोस्तों तो गाइस यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दोस्तों यहाँ पर आपको ना पाकिस्तान एक फेवरेट टीम दिखने वाली है। दोनों टीमों के बीच 155 बार देखो आमने सामने का मुकाबला खेला गया है, जिसमें से 92 यानी कि 92 बार पाकिस्तान विन किया है और केवल 58 बार यहाँ पर श्रीलंका विन कर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान का फेवर कर सकते हो, बट गाइस श्रीलंका में श्रीलंका को हराना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल का काम है। लास्ट 5 अगर दोनों टीमों की मैं फॉर्म की बात कर लूँ, लास्ट 5 खेले गए मैच की, तो दोस्तों देखो दोनों ही इंडियन टीम से हार कर आई है, बाकी देखो दोनों अपनी पिछले खेले गए 4 मुकाबला वो जीत कर आ रही है, ठीक है। काफी बढ़िया टीम है यहाँ पर श्रीलंका की भी और पाकिस्तान की भी। देखो यार मुझे नहीं लगता कि दोस्तों श्रीलंका टीम की ओर से कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले। देखो श्रीलंका अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको खेलता हुआ दिखेगा, जो कि इंडिया के खिलाफ खेला था, पाथु निशांका और दिमुत करना रहते हैं। देखो यार दोनों का जो मतलब रिकॉर्ड है ना पाकिस्तान के खिलाफ उतना बढ़िया नहीं है अभी तक। दोस्तों पाथु निशांका पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैचेस खेला भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नंबर 3 पर कुशल मैंडिस, नंबर 4 पर सदीरा शमा विश्वकर्मा। दोस्तों यार सदीरा क्या है कि दोस्तों काफी बढ़िया मुझे बैट्समैन लगा, एज अ दोस्तों स्पिनर और एज अ फास्टर दोनों दोस्तों काफी बढ़िया ये टैकल करके खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुशल मैंडिस विकेट कीपर बैट्समैन, अटैकिंग बैटिंग यहां पर करता हुआ आपको दिखेगा, रिसेंट फॉर्म आप यहां पर इनका भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों चरित श्रीलंका आपको बैटिंग के साथ आपको ये दोस्तों पार्ट टाइमर बॉलिंग यहां पर करता हुआ दिखेगा, और अगर पिच से थोड़ी सी मदद मिल रही है तो फिर ये पूरे के पूरे 10 ओवर भी डालते हुए आपको दिख सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे और 22 रन भी इन्होंने बनाया था। उसके अलावा दोस्तों धनंजय डिसिल्वा राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, दोस्तों काफी बढ़िया यार मुझे बैट्समैन लगा, बट यार वो थोड़ा ये मतलब मैच को निकाल सकता था इंडिया के खिलाफ, बट देखो थोड़ा सा ये जल्दबाजी कर गया। लास्ट मैच में 41 रन, देन गाइस यहां पर दसुन सनाका राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, और लास्ट मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला देखो और रन भी नहीं बना पाए। हेड टू रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, पाकिस्तान के खिलाफ काफी बढ़िया इनका मतलब रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों धोनी तो वेला लांगे लेफ्ट हैंडेड
बैट्समैन और गाइज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर लास्ट मैच में 5 विकेट प्लस में 42 नॉट आउट रन, काफी दोस्तों अंडर प्रेशर वो रन आए थे। दोस्तों यार युवा के पास ना काफी ज्यादा यहाँ पर स्किल है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रजिथा हो गया राइट आर्म मीडियम बॉलर, और गाइज देखो महेश दीक्षणा राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर, लास्ट मैच मैच में 1 विकेट मिला था। और फिर दोस्तों मथीसा पथिराना, जिन्हें देखो आपको ये डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुआ दिखने वाला है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग ओवर आपको रजिथा, महेश दीक्षणा, दसुन सनाका या फिर मथीसा पथिराना आपको करते हुआ दिखेगा। डेथ ओवर में महेश दीक्षणा, कसुम रजिथा और मथीसा पथिराना आपको बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यार पाकिस्तान की टीम से जो न्यूज आ रही है यार कुछ मतलब सही न्यूज नहीं है। देखो यार इनके ना हरीश रौफ और नसीम शाह देखो जो दोनों चोटिल हो गए थे इंडिया के खिलाफ, तो गाइज इनको देखो थोड़ी सी ऐसी न्यूज आ रही है कि देखो इस मैच में ये नहीं खेलने वाले हैं, और इनके प्लेस पे जमन खान और शहनवाज ढाणी को टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। मुझे नहीं पता कौन सा प्लेयर खेलेगा, बट आपको मैं कुछ ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि तो इनके बैट्समैन तो सेम रहेंगे, फखर जमान और इमाम उलक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, देखो दोनों का एवरेज श्रीलंका के खिलाफ काफी बढ़िया रहा है। नंबर 3 पे बाबर आजम कप्तान, और नंबर 4 पर दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। देखो इनका भी अगर आप एवरेज देखोगे 8 मैच में 496 रन बाबर का, लगभग 62 का एवरेज, और गाइज मोहम्मद रिजवान 4 मैच में 136 रन, लगभग दोस्तों 68 का एवरेज। तो गाइस देखो श्रीलंका के खिलाफ ये बैटिंग करना पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों आकाश सलमान दोस्तों ये भी चोटिल था, इनका भी मुझे नहीं पता दोस्तों ये इस मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट देखो चोट कोई ज्यादा मतलब ज्यादा खास नहीं थी, ठीक है, छोटा मोटा चोट था। उसके अलावा दोस्तों इफ्तिखार अहमद अगर दोस्तों ये खेलता तो आपको ये बैटिंग साथ बॉलिंग भी करता हुआ आपको दिखने वाला है, ठीक है। शहदाब खान इनके मेन लेग स्पिनर बॉलर, बट दोस्तों ये लेग स्पिनर करवाते ही नहीं है, फुल टॉस ही डालता रहता है, ठीक है। काफी ज्यादा रन इनको पड़ते हैं, हैट्रिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 7 मैच में 52 रन प्लस में 13 विकेट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों फहीम अशरफ राइट आर्म मीडियम बॉलर, लास्ट मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला था। उसके अलावा दोस्तों साइंस अफरीदी मैच में फिट है और ये खेलता हुआ आपको दिखेगा। और जो न्यूज आ रही है वो दोस्तों हरीश रौफ और यहाँ पर आपको नसीम शाह को लेकर है। देखो यार मैं ना पाकिस्तान के बेंच पे उसमें आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर बाई चांस यहाँ पर हरीश रौफ और नसीम नहीं खेला तो फिर देखो यहाँ पर चांस है जमन खान और मोहम्मद वसीम जूनियर के खेलने का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ चांस नहीं दिखता, ठीक है, कोई प्लेयर खेले। और गाइस देखो एक और बात, अगर गाइस यहाँ पर क्या है कि आकाश सलमान अगर नहीं खेलता है तो फिर यहाँ पर साउथ शकील या फिर यहाँ पर दोस्तों आपको तैयब ताहिर में से कोई एक प्लेयर आपको खेलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऑप्शन दिया, आप देखो थोड़ा सा मतलब टॉस के बाद जो लाइनअप आती है उसका वेट करना अगर आप अपनी खुद की टीम क्रिएट कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग ओवर आपको शाइन अफरीदी नसीम शाह अगर खेलता तो फिर आपको करवाता दिखेगा, और फहीम अशरफ आपको स्टार्टिंग के ओवर में यानी कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दोस्तों डेथ ओवर में आपको शहजाब खान, हरीश रौफ खेलता तो वो डालेगा, साइंस अफरीदी और फहीम अशरफ आपको बॉलिंग डालता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। दोस्तों ये तो बात होगी दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है, और गाइस को दोनों टीमों का यहां पर स्टार्टिंग और डेथ ओवर में कौन से बॉलर बॉलिंग करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर मैं टीम की बात करने से पहले यार गिव अवे का आपके लिए पहला क्वेश्चन है मैं ये है कि दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर कौन सा रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर आपको मैच से पहले ही आपको ये दोनों सवालों के आंसर देने हैं। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाला प्लेयर कौन सा रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना, कॉमेंट सेक्शन में जाना है और मेरे भाई आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। टीम की मैं बात कर लूँ तो दोस्तों जो आपको भी टीम जो अब मेरे इंटरफेस पे दिख रही है ना, आप चाहो तो इसी टीम के साथ आप ज्वाइन कर लो, 2 मेंबर का 3 मेंबर का और 4 मेंबर तक का लीग। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो मेरे भाई दसुन सनाका को आप देखो ट्राई करना अपने ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ देखो उनका बल्ला काफ़ी चलता है, और देखो बॉलिंग भी आपको करके अगर 1-2 विकेट लेकर दे दिया तो गाइस देखो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। कप्तान अभी के लिए मेरा बाबर आजम है, क्योंकि देखो पाकिस्तान के लिए ये दो डाई का मैच है तो कई यहाँ पर बाबर आजम कुछ कर सकता है। वीसी दोस्तों अभी के लिए मेरा धनंजय डी सिल्वा है जो कि आपको बॉलिंग के साथ बैटिंग भी आपको करके देने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मुझे कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, अगर आपको ट्राई करना हो तो यहाँ पर आप दुनित वेला लांगे या फिर साइंस अफरीदी जैसे प्लेयर को भी अपने टीम का वीसी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना, आपका प्यार सपोर्ट समर्थन मिलता है तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सेवा को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।